और सब तो ठीक ठाक होगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है सर्दी का मौसम चल रहा है, कुछ लोग सर्दी को लेकर परेशान होंगे और कुछ लोग अपने पर्सनल मामलों में परेशान होंगे। आई होप यू कि एवरीथिंग इज फाइन, ये बोलना मेरे को मुनासिब नहीं लगता। कैसे सब कुछ फाइन होगा, कभी हो ही नहीं सकता कि सब कुछ फाइन हो। अरे यार फिर मैं आप लोगों को बकचोदी में उलझा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कोई और बात उठाऊँ, आओ हम लोग मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि आज का मुद्दा बहुत बड़ा है। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, ये बीमारी आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बन चुकी है। तो चलो जरा देखते हैं। बहुत अच्छा किया कि इसने टाइम पे कैमरा दिखा दिया, वरना शक्ल से तो चोरी लगता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। इनका नाम है रोहित और इनको पब्लिक में नंगा होने का बहुत शौक है। तो चलिए जरा थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। और हाँ, हेडफोन का व्यवस्था कर लेना, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो शरीफ हूँ, जो लोग लिखते हैं उनका पता नहीं, इसलिए अपना व्यवस्था कर लो। तो चलो इनका हो गया, अब हमारी बारी, आओ हम लोग कमेंट पढ़ते हैं। तुझे चोदना है मैंने सोच लिया, कोई पिछवाड़े में न दे सट के, चूतिया पंती अपने घर जाकर किया करना चूतिये के लंड। भाई थोड़ा रिंग लाइट सामने लगा लिया करो, चेहरा ज्यादा काला दिखता है। सबके सामने गांड दे रहा है। ये बहन के लौड़े अपनी माँ भी चुदवा लेंगे बीच रोड पे लाइक के लिए। इस भोसड़ी वाले को पेलो, रास्ते में आकर डांस करता है। क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। बहनचोद मेरे सामने नाचता तो गांड पे लात मार के पटक देता काले लंड। पैसे के लिए कहां कहां गांड मरवाना पड़ रहा है बेचारे को। अब बताओ भाइयों, इन चूतियों के लिए हम रिचार्ज करते हैं। अबे चूतिया तुझे शर्म नहीं आती क्या, क्यों हमारे नेट का माँ बहन कर देता है। लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कहां से आते हैं ये लौड़े। बहन के लंड कालू, मान जा माँ के लौड़े। कहाँ मान रहा है, मानने को तो नाम ही नहीं ले रहा ये। अरे यार कोई मूली का पराठा खा के इसके मुंह पे पात दो, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, पब्लिक को भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो चलो जरा इसका भी कमेंट पढ़ते हैं। पीछे आदमी ही बेवकूफ है, नहीं पीछे से ढंग का देना चाहिए कान पे, फिर मान जाता इसका टिंकोजिया। इस भोसड़ी वाले को इतना पेलो कि उठ न पाए, मादर चोद है ये रंडी का। आज उस दिन इसका बाप हिला के सो जाता। ऐसे नमूने पैदा न हो इसलिए कंडोम का आविष्कार हुआ था। कोई पकड़ के एक दिन अच्छे से पेलता क्यों नहीं। लंड चला गया क्या गांड में, काला लंड। मादर चोद तुझे रंडी होना चाहिए था। अजीब चूतिया है ये भोसड़ी वाला, कहीं भी शुरू हो जाता है। लंड है ये, कहीं भी खड़ा हो जाता है। अरे भाई गांव पे 2 लाख देते सारा फेमस होने का नशा गांव में घुस जाता। कसम बता रहा हूँ, मैं होता तो तुम्हारी गांड मार लेता। अरे और कितना मारना चाहते हो भाई, ये कमेंट में जो जूता भिगो भिगो मार रहे हो ये क्या कम है। तुम लोग कुछ भी मार लो उसका फिर भी नहीं सुधरेगा वो। अबे लोगों को डराना बंद कर दे, मिर्जापुर के जंगलों से भागा हुआ सियार। तो चलो इसका भी कमेंट पढ़ते हैं। अम्मा देख तू देख तेरा मुंडा गांड मराए, अम्मा देख तू देख तेरा मुंडा गांड हिलाए।
और अगर किसी दिन मेरे सामने आया तो चप्पल में गोबर लगा के मारूंगी भोसड़ी के। किसी दिन पहले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। भाई अगर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ तो मुझे इसकी माँ चोदने में देर नहीं लगेगी। किसी दिन कोई तेरी रास्ते में घाव मारेगा तभी तू सुधरेगा। इस माधर चोत को जितनी गाली दी जाए कम है। कुछ दिनों में ये हमें किसी न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा चप्पल खाते हुए। इस झाटू को कोई पेलता क्यों नहीं काली साले को। क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। विनोद देख रहे हो ना इस झाटू को कैसे रास्ते में गांड हिला रहा है। काश तेरा बाप एक दिन हाथ से हिला के सो जाता तो ये नमूना पैदा न होता। तेरा जूते जैसा मुंह कब तोड़ेगा कोई। रुक जा। नहीं सही बात है, तुम मुजरा करो चाहे अपनी गां मराओ, तुम्हें कौन रोक रहा है। पर लोगों का भी तो ख्याल करो, उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो। अरे कोई इस कौवे को समझाओ कि भाई साइड में हो के अच्छे से गांव मरवा ले। कोई बात नहीं, बस समझाओ। चलो कमेंट पढ़ते हैं। आंटी ने बोला चला जा भोसड़ी के। मेरा एक दोस्त था, वह भी इसी तरह की नौटंकी करता था और अब उसको हिजड़े उठा कर ले गए। आंटी बोल कर गई इसको, थोड़ा साइड को मां चुदवा ले। किसी दिन कोई सनकी मिल गया तो पटक के पूरा डांस इसकी गांड में डाल देगा। लौड़े किसी दिन गलती से मेरे आगे मत पड़ जाइयो, नहीं उधर ही झुका के चोट दिए जाओगे। कोई कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी बुलाकर इसे पकड़ा दो, मेहरबानी होगी भाइयों। तू मेरे से एक बार मिल, तेरी गांड की सारी गर्मी निकाल देता हूँ। रुक जा। कहाँ मिलेगा तुमसे भाई, उसको पब्लिक में गांड हिलाने से फुर्सत मिलेगा तब तो मिलेगा। भाई मैं गंदी चीजों पे टिप्पणी नहीं करता, और डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में। चलो कमेंट पढ़ते हैं। तेरी गांड तोड़नी है मैंने सोच लिया। इसने तो ताल से ताल मिला दिया। अबे झाटे सुलग जाती हैं तुझे देख के साले। तेरी वजह से मेरी झाटे नहीं बढ़ पा रही है माधर चोद। इसको कौन सी गाली दूं बहन चोद को। ये थोड़ा थोड़ा बहन का लौड़ा है क्या। अबे मेरा लंड भी इससे ज्यादा गोरा है। हराम के लंड जिस दिन मुझे मिल गया ना मेट्रो में गांव तोड़ ही दूंगा, ना हगने लायक रहेगा और ना हिलाने लायक। क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। फटे कंडोम का नतीजा बहुत बुरा होता है, अब देख लो इसको ही। अगर मैं वहाँ पे होता तो वहीं पटक के तेरा गांव मार लेता चूतिए। रुक जा। अब देख ले भाई अपनी गांड बचा के वीडियो बनाए कर, कोई मारना चाह रहा है कोई तोड़ना चाह रहा है। इतने ढीठ और बेशरम किस्म के कहां के लड़के होते भाई, यूपी के तो नहीं होते। यूपी वालों को कुछ भी जरा सा बोल दो तुरंत बुरा मान जाते हो। तो चलो जरा पढ़ते हैं। गलती इसकी नहीं है भाई, गलती इसके पापा की है। अगर उस टाइम पे इसके पापा ने कंडोम पहन लिया होता तो आज ये गलती ना होती। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। काश तेरे पापा ने गुब्बारा इस्तेमाल किया होता तो तू पैदा ही नहीं होता। तेरी गांड में लंड डाल दूंगा, तू मिल कहीं पे दल्ले। सही है, गलती इसकी नहीं है भाई, इसके पापा की है। पापा ने उस समय अगर कंडोम पहन लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। तेरे पापा अगर उस दिन मेडिकल पे चले जाते तो एक चूतिया कम होता इस मुल्क में। भाई तू थोड़ा सा उल्टा लंड है क्या।
किसी दिन गाड़ में कोई डालेगा तब सही रहेगा। भाई हगने के लिए टॉयलेट है, पब्लिक प्लेस में क्यों हगता है? तेरी माँ की चूत बहन के लौड़े दिहाड़ी मजदूर टाइम पे काम पे आया कर। अरे दिल्ली वालों लगाओ इसके बीच जूते। भाई तेरी गाड़ में कौन सा कीड़ा है बताएगा? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कौन सा कीड़ा है। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। अरे मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। कब प्यार की पहली नजर है। एक मिनट, उस लड़के ने कुछ दिखाया है? क्या दिखाया उसने, मैंने नोटिस नहीं किया ढंग से। मेरे हिसाब से वो कुछ ऐसा लाइक कर रहा कि वेरी गुड डांस, तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो चलो जरा कमेंट देखते हैं। भाई वो बच्चे नहीं है, उनका भी खड़ा होता है। जब बच्चों के सामने जंगली सुअर आ गया तो बच्चों का रिएक्शन कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भाई बिल्कुल आंट जैसी शक्ल है तेरी। ये भाई कौवा बिरयानी वाले का छोटा भाई लगता है। बच्चों ये पागल कुत्ता है, इससे दूर रहो, ये काट भी सकता है। भाई मैं तुझे 2 किलो लंड गिफ्ट करना चाहता हूँ, अपना एड्रेस भेज दे भाई। 2000 रुपए का इनाम दूंगा जो इस बहन के लंड का पता बता देगा। इसकी गांव में लोड़ा देना है, बताएगा कोई? क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मेरा दोस्त भी ऐसे ही डांस करता था, आज उसकी जयंती है। हमारे यहाँ इसे गांडू लंड बोलते हैं। गांड का इलाज होता है गांडू का नहीं, मगर मैं इलाज ढूंढूंगा। तेरा लंड जैसा मुंह देखकर पब्लिक डर जाती है। अबे काले कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती क्या काली गांड? तो चलो ठीक है, रुक जाते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। आप भी देख लो अपने हिसाब से, लाइक शेयर ठोकने लायक है तो ठोक दो।